घाटे में चल रहे फैमिली बिजनेस को लगाया गले, 3 सालों में बनाया 52 करोड़ का कारोबार। आज जिस शख्स की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो किसी भी युवा को प्रेरणा से भर सकती है। अक्सर फैमिली बिजनेस जब सफल होते हैं तो सभी जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही बिजनेस पर संकट मंडराया और बिजनेस ठप होने लगा तो लोग भी अपना अपना रास्ता चुनने लगते हैं। लेकिन जिस युवा की कहानी हम आज आपको बताने वाले हैं, वो संकट से भागा नहीं बल्कि संकट से अवसर का मौका तलाशा और आज के जमाने को ध्यान में रखते हुए फैमिली बिजनेस को आगे ले जाने का निर्णय किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी के 27 साल के युवा श्रेय बंसल के बारे में, जिनका परिवार असफल बिजनेस के कारण अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष कर रहा था। तब श्रेय बंसल ने अपनी पढ़ाई छोड़कर फैमिली बिजनेस को संभालने का निर्णय लिया। कुछ कठिन निर्णय और जोखिम भरे कदम उठाकर अपने पैतृक व्यवसाय को वापस सही दिशा की ओर ले गए और सफलतापूर्वक 3 साल में 52 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा कर दिया। श्रेय का परिवार मूल रूप से नेपाल से ताल्लुक रखता है, हालांकि वो बेहतर जीवन की तलाश में साल 1989 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी चले आए। हालांकि स्थान बदलने से उनके हालात नहीं बदले। श्रेय के दादाजी काली बड़ी इलायची बेचते थे और श्रेय के पिता ने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए नेपाल से बड़ी इलायची आयात करने का व्यवसाय शुरू किया। इनके बिजनेस का नाम ही बंसल बिग ब्लैक इलायची के नाम से रखा गया। चूंकि श्रेय को अपने पारिवारिक व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इन्होंने अपना अलग रास्ता चुनने का निर्णय किया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद श्रेय क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में BBM यानी बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए बैंगलोर चले गए। हालांकि उनकी और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने 2014 में कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए बैंगलोर में एक छोटा सा कैफे शुरू किया, लेकिन वो भी असफल रहा। अभिनय में उनकी रुचि होने के कारण उन्होंने कई भूमिकाओं के लिए ऑडिशन भी दिया, लेकिन वित्तीय बाधाओं के कारण वो आगे नहीं बढ़ सके। स्थिति से निराश होकर साल 2017 में श्रेय सिलीगुड़ी वापस लौट आए और अपने पारिवारिक व्यवसाय को ही गले लगाने का फैसला किया। लेकिन कारोबार की स्थिति सही नहीं थी, किसी तरह घर चलाने के लिए कुछ पैसे की ही कमाई हो रही थी। अपने एक इंटरव्यू में श्रेय ने बताया कि जब वो छोटे थे तो उन्हें अपने आसपास क्या हो रहा था इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन जब वो 2017 में सिलीगुड़ी लौटे तो उनका एकमात्र इरादा अपने परिवार के भाग्य को फिर से लिखना था और इसीलिए उन्होंने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। श्रेय ने सिलीगुड़ी लौटकर रिसर्च करना शुरू किया, पारिवारिक व्यवसाय को और नजदीक और बारीकी से समझने का प्रयत्न किया। उन्होंने पाया कि इलायची का उपयोग व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक मसालों को तैयार करने में किया जाता है, जिसे लोग बंद डिब्बे में खरीदते हैं, जबकि उनका परिवार केवल स्थानीय व्यापारियों को इलायची बेचता था जो केवल थोड़ा ही खरीदते थे। इसके बाद श्रेय ने उन कंपनियों के साथ संपर्क स्थापित किया जो तैयार मसाले बनाते थे। उन्होंने इन कंपनियों के साथ साझेदारी कर बड़ी मात्रा में इलायची को बेचकर एक बड़ा मुनाफा कमाया। हालांकि इन कंपनियों को मनाने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन श्रेय ने उन्हें सबसे प्रीमियम उत्पाद देने का वादा किया। वह सफलता को लेकर इतने दृढ़ थे कि उन्होंने कई रिश्तेदारों से 5 करोड़ रुपए का भारी कर्ज लिया था। अपने लक्ष्य को साधते हुए भरपूर मेहनत की और आज देश की 18 प्रमुख मसाला बनाने वाली कंपनियों के साथ करार करते हुए 52 करोड़ रुपए का कारोबार किया। श्रेय बंसल का जीवन हर एक युवा के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। साथ ही इनकी कहानी ये भी दर्शाती है कि पारिवारिक बिजनेस को आज के युवा की ताकत मिल जाए तो ठप से ठप व्यापार लाखों का टर्नओवर बना सकता है और फिर से पुराने व्यवसाय जिंदा हो सकते हैं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।